किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। किसान के लिए सबसे ज़रूरी होता है सिंचाई के पर्याप्त संसाधन। अगर आप किसान हैं और खेती करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास सिंचाई के संसाधन होना चाहिए। सिंचाई के लिए किसान भाई बोरवेल या ट्यूबवेल लगवाते हैं और अलग अलग विधियों से ज़मीन में पानी की खोज करते हैं। कुछ किसान वाटर डिटेक्टर मशीन से पानी की खोज करते हैं, कुछ किसान ग्रामीण में जो देसी तरीके प्रचलित है उनका प्रयोग करते हैं और बोरवेल लगवाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने स्मार्टफोन से ज़मीन में पानी का अनुमान लगा सकते हैं। इस ऐप्स का रिव्यू करेंगे और हम बात करेंगे कि किस प्रकार से काम करता है और इस ऐप्स से आप किस प्रकार से ज़मीन में पानी देख सकते हैं। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों जैसा कि मेरे हाथ में ये मोबाइल देख पा रहे हैं इसमें मैं उस मोबाइल ऐप्स को ओपन करने वाला हूं जिसका नाम है वाटर डिटेक्टर। किसान भाइयों वाटर डिटेक्टर ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। तो आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो वाटर डिटेक्टर ऐप है उसको अब हम ओपन करने जा रहे हैं। ये ओपन होना शुरू हो चुका है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये ओपन हो चुका है, अब इसमें धीरे धीरे आपको स्कैनिंग नज़र आएगी। अब इस पर स्टार्ट पर हम क्लिक करते हैं और अब इसमें स्कैनिंग होना शुरू हो चुका है। जैसे ही स्कैनिंग होगी ये ऐप्स आगे बढ़ जाएगा और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। इसमें किसान भाइयों अभी स्कैनिंग हो रही है, इसमें पूरी तरह से स्कैनिंग हो चुकी है और अब इसमें एक मीटर चलने लग गया है जो लगभग 19-20 की संख्या बता रहा है। ऐप्स के अनुसार जहां पर भी पानी होता है यह मीटर की संख्या 150 से 200 तक चली जाती है। हमारे इधर खाली जगह है, यहां पर हम घूमते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आता है। किसान भाइयों जैसा कि हम खाली खेत में घूम रहे हैं तो इसकी जो मीटर की संख्या है उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। यह संख्या 35-36 के आसपास ही नज़र आ रही है। इसके अलावा हमारे पास ही में एक ट्यूबवेल का बोर है, वहाँ पर हम चलकर देखते हैं कि वहाँ पर यह कैसी प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि उसमें हम बोर में पानी है और हम उससे सिंचाई करते हैं। तो चलिए उसके पास चलकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह काम करता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा बोरवेल है इसके पास हम इस ऐप्स को ले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा बोरवेल है इसमें हमारे पानी है और हम इसके पास इस ऐप्स को ले जाते हैं किस प्रकार से काम करता है। किसान भाइयों जैसा कि इसके पास हमने जैसे ही मोबाइल को ले गए इसमें जो संख्या है वो 90 से 100 के आसपास चली गई है, यानी कि जैसे हम इस बोरवेल से इसको दूर ले जाते हैं इसमें ये संख्या 50 के आसपास आ जाती है और जैसे ही हम इस मोबाइल को इसके आसपास ले जाते हैं यह संख्या 80 से 100 के आसपास चली जाती है, यानी कि इस बोर के पास इसमें कुछ प्रतिक्रिया हो रही है। एक बोर के आधार पर हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि ज़मीन में पानी इस ऐप से हम देख सकते हैं। हमारे पीछे वहाँ पर एक और बोर है जिसमें भी पानी है, तो हम देखेंगे कि ऐप्स किस प्रकार से काम करता है और हम अपने मोबाइल को उस बोरवेल के पास ले जाते हैं। जैसा कि हम आ चुके हैं हमारे दूसरे बोर के पास, तो इसके पास हम मोबाइल को ले जाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी संख्या 100 होती है। अभी इसमें 40-41 बता रहा है, तो हम जैसे ही बोरवेल के पास चलेंगे तो इसमें कितना उतार चढ़ाव आता है। किसान भाइयों इस बोरवेल में भी पानी है, तो हम इस बोरवेल के पास अपने मोबाइल को ले जाते हैं। जैसा कि हम धीरे धीरे मोबाइल को इस ऐप्स बोरवेल के पास ले जा रहे हैं तो इसमें जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और यह संख्या लगभग 120 से ऊपर जा चुकी थी, 105 के आसपास यह संख्या दिखा रही है। जैसे हम मोबाइल को वापस दूर ले जाते हैं यह संख्या 40 के आसपास आ जाती है और जैसे हम मोबाइल को इसके पास ले जा रहे हैं तो इस संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और यह संख्या धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। किसान भाइयों बोरवेल के पास ले जाते ही इस ऐप्स में कुछ प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन हम इन दो बोरवेल के आधार पर ट्यूबवेल नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे इस साइड पर एक खाली बोर है उसके पास हम चलते हैं और देखते हैं कि यह ऐप्स वहां पर क्या प्रतिक्रिया बताता है। तो चलिए वहां पर हम चलते हैं तो इसमें कितनी संख्या आती है और कितना उतार चढ़ाव होता है। जैसे
जैसा कि हम इस बोर के पास आ चुके हैं, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, इसके पास हम मोबाइल को ले जाएंगे और देखेंगे कि ये ऐप्स किस प्रकार से काम करता है और इस संख्या में कितना उतार चढ़ाव आता है। जैसे जैसे हम इसके पास मोबाइल ले जा रहे हैं, इसकी संख्या में बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है, यानी कि इसकी संख्या वापस से 100 के आसपास चली गई है, यानी कि बोरवेल के पास ले जाते ही इस ऐप्स में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत पानी है जिस कारण ये मेटल ऊपर की ओर जा रहा है। मेरा मानना है कि ये जो बोरवेल का पाइप स्टील का है या लोहे का है, इसके आधार पर भी इस ऐप्स में प्रतिक्रिया हो सकती है। तो किसान भाइयों, आप और भी वीडियो से ज़मीन में पानी की खोज कर सकते हैं। आप सभी तरीकों को अपनाएं, आप मोबाइल ऐप का सहारा भी ले सकते हैं, इसके अलावा जो विधियाँ प्रचलित है उनका प्रयोग भी आप करें और सभी के आधार पर आप मोबाइल ज़मीन में पानी देखें। किसान भाइयों, ये था आज का ये वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।